नमस्कार, हमारा विषय है अव्यय शिक्षण। पिछली कक्षा में हमने स्थान बोधक अव्ययों के बारे में पढ़ा था, अव्यय की परिभाषा समझी थी। आज हम काल बोधक अव्यय पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और वाक्य प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले यदा। यदा का अर्थ होता है जब। यदा और तदा दोनों अव्ययों का एक साथ प्रयोग होगा एक ही वाक्य में। तदा मीन्स तब। सह यदा आगच्छति, वह जब आता है, तदा एव, एक और अव्यय का प्रयोग कर दिया, तदा एव पठनाय तिष्ठति, पढ़ने बैठ जाता है। यदा आकाशे मेघा गर्जन्ति तदा वर्षा भवति। कदा मीन्स कब। त्वं विद्यालयं कदा गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो। वही ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष का करता है तब भी अव्यय पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मध्यम पुरुष का करता है तब भी अव्यय वैसा ही रहेगा, अव्यय कभी परिवर्तित नहीं होता। सर्वदा मीन्स हमेशा। सर्वदा हमेशा। अहम् सर्वदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। एकदा, एक बार। इस अव्यय का प्रयोग हमेशा कहानी वगैरह शुरू करने के लिए किया जाता है और वाक्य के शुरू में इसका प्रयोग होता है। एकदा, एक बार। एक का कह आसीत, कोई भी कहानी वगैरह शुरू हो, एक बार एक कौवा था, एक राजा था, इस तरह से कहानी या सेंटेंस के स्टार्टिंग में एकदा का प्रयोग होता है, एक बार। कदापि कभी भी, कभी भी, उसी को हम उल्टा कर देंगे। अहम कदापि असत्यम न वदामि, अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोलता या बोलती। प्रातः सुबह, छात्रः प्रातः विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यार्थी सुबह स्कूल जाते हैं। विद्यालयं गच्छन्ति। सायं शाम को, शाम के समय, शाम को। बालकः सायं शाम को उद्याने क्रीडन्ति, अद्य आज। इसका प्रयोग हमेशा वर्तमान काल में ही होगा। आज, जैसे कहें आज सोमवार है, अद्य सोमवासरः अस्ति। कुछ अव्ययों का प्रयोग फिक्स है, इसका किसी और लकार में प्रयोग नहीं हो सकता। अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है, भौमवासरः अस्ति, मंगलवार है। अधुना, इन चार अव्ययों का अर्थ है अब। अधुना, अब, इदानीम, अब, संप्रति, अब, सांप्रतम, अब, एक ही वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। अहम् अधुना पठामि, अहम् इदानीं पठामि, अहम् संप्रति पठामि, अहम् साम्प्रतं पठामि। अधुना या इदानीं या संप्रति, परीक्षा में अक्सर आता है ये, लट लकार में इसका प्रयोग होगा, या साम्प्रतं।
जो भी अव्यय परीक्षा में पूछा जाए वो एक अव्यय लिख कर, जिसका अर्थ है अब, अधुना या जो भी है, अहम, पठामी, लिखामी, वदामी, कोई भी क्रिया हो सकती है, अहम अधुना पठामी। नेक्स्ट है ह्यो, कल। कल दो तरह के होते हैं, एक जो बीत गया और एक जो आएगा। ह्यो मीन्स बीता हुआ कल, येस्टरडे। इसका प्रयोग हमेशा, क्योंकि बीत गया है इसलिए लंग लकार में इसका प्रयोग होगा। 10वीं की परीक्षा में इन दो में से जरूर पूछा जाता है, या तो अव्यय वाले प्रश्न में और या फिर संस्कृत में अनुवाद करो, कहीं ना कहीं ये दो शब्दों का प्रयोग अवश्य मान लेते हैं। ह्यो मीन्स बीता हुआ कल। जैसे मैंने अद्य वाला किया था, आज सोमवार है, ह्यो सोमवासरः, रविवासरः कर सकते हैं, जो दिन को है, वासरः मीन्स दिन, सोमवासरः आसीत। मेन बात है लंग लकार का प्रयोग, आसीत, कल सोमवार था, रविवासरः आसीत, रविवार था। श्वः मीन्स कल, लेकिन आने वाला, टुमोरो, आने वाला कल। इसके प्रयोग में हमेशा, क्योंकि आना है, अभी होगा ये काम, भविष्यत काल की क्रिया अर्थात लृट लकार का प्रयोग होगा। श्वः कल, अहम् कल मैं दिल्ली नगरम गमिष्यामि, कल मैं दिल्ली जाऊंगा या जाऊंगी। लृट लकार का प्रयोग ध्यान रखना है। अब वालों में सब में वर्तमान काल, ह्यो में लंग लकार, श्व में भविष्यत काल लृट लकार। पुरा प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जिस तरह से एकदा का प्रयोग होता है एक बार कहानी के शुरू में, उसी तरह से पुरा का प्रयोग होगा। पुरा प्राचीन काल में अशोक नाम नृपः आसीत्, नामनः भी कर सकते हैं, अशोक नामनः, अशोक नाम का राजा था, नृपः आसीत। अहर्निशम दिन रात, अह मीन्स दिन, निशा मीन्स रात, अहर्निशम दिन रात। कृषकः किसान, कृषकः अहर्निशम परिश्रमं करोति, अहर्निशं परिश्रमं करोति, मेहनत करता है किसान दिन रात। नेक्स्ट है नक्तम, रात में, नक्तम मीन्स रात में। एक कहावत है कि रात में दही नहीं खानी चाहिए, नक्तम दधि न भुंजीत, सह नक्तम दधि खादति, वह रात में दही खाता है जो कि खाने नहीं चाहिए। दिवा दिन में, दिवा मीन्स दिन में। अहम दिवा, मैं दिन में अवश्य खेलता हूँ, अवश्यम क्रीडामि। वाक्य कोई भी आपके दिमाग में आ सकता है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है। कुछ और अव्यय हैं जो काल से संबंधित हैं, जैसे बार बार। बार बार के लिए कई अव्यय हैं हमारे पास जिनका अर्थ है बार बार, जैसे पुनः पुनः, मुहुर मुहु, असकृत, सकृत मीन्स एक बार, असकृत बार बार, कई बार, और है भूयो भूयो, भूयो भूयो। इन चारों अव्यय का अर्थ है बार बार, दोबारा दोबारा, बार बार। वाक्य कुछ भी बना सकते हैं, सह पुनः पुनः, वह बार बार
खाता है। सह पुनः पुनः खादति, सह मुहुर मुहु खादति, सह असकृत खादति, स भूय भूय खादति। नेक्स्ट है सततम। सततम मीन्स निरंतर, लगातार। कालबोधक अव्यय है ये भी, निरंतर। अहम सततम लिखामि, मैं निरंतर लिख रही हूँ, लिख रहा हूँ, लिखामि। कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनका अर्थ है तुरंत, जैसे सद्य, शीघ्रम, झटिति, त्वरितम। टेंथ की परीक्षा में इनमें से भी एक अवश्य पूछा जाता है, सपदी। इन सब का अर्थ है तुरंत, शीघ्रम, तुरंत। सह, शीघ्रम, सद्य, कोई भी वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। सद्य, शीघ्रम, झटिति इत्यादि। उत्तरत, उसने झट से उत्तर दे दिया। अवदत, अकथयत इत्यादि। इस तरह से कालबोधक अव्यय हमने सीखे। इनका अभ्यास करें और परीक्षा के लिए तैयारी करें। धन्यवाद।